हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एमएससी मैथमेटिक्स के प्रश्न पेपर की तैयारी कर रहे हो तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हमारे पास आप पढ़ सकते हो। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13(1) है, जो कि आईआईटी जेईई 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। लेट ए बराबर 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 5 है फ्रेंड्स, एंड वी बी है वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर क्यू सच दैट एक्स बराबर 0, देन डायमेंशन ऑफ वी इज ऑप्शन 0, 1, 2 एंड 3। तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करना है फ्रेंड्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी होगी। इस मैट्रिक्स की रैंक क्या हो सकती है, तो इसको सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 1 1 1 5 1 1 3। अब फिर से इसमें हम चेंज करते हैं, इसमें क्या चेंज करते हैं, अगर R2 को हम करें चेंज R2 - 3 R1 तो ये टर्म हमारे पास 0 बन जाएगी, एंड R3 को अगर चेंज करें हम R3 - R1 तो ये टर्म 0 बन जाएगी। तो ये जो किया तो यहाँ पर हो गया R2 - 3 R1, तो 3 - 3 0 एंड -1 एंड -3, तो ये -4 एंड ये R1 1 और -3, तो ये -2 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम R3 पे देख रहे हैं, तो R3 पे R3 - R1 है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो ये सॉरी, ये तो हमारे पास 0 - 4 2 सेकेंड आएगा, 1 1 एंड 1, क्योंकि फर्स्ट में हमारे पास फर्स्ट कॉलम रो में हमें चेंज नहीं किया था। R3 में देखें तो ये 1 1 में से बन गए तो 0, 5 में से गए तो 4, और ये हमारे पास 2, ये आ गया। अब फिर से अगर हम यहाँ पे इन दोनों में चेंज करें, यानी इसमें से इन दोनों को R2 और R3 को जोड़ दें, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 1 1, यानी हम R3 को यहाँ पे 0 बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए दोनों R2 एंड R3 दोनों को जोड़ रहे हैं, तो 0 ये -4 इसलिए तो हमने चेंज नहीं किया, एंड 2 ये हो गया 0 एंड 0 4। तो फिर यहाँ से अगर देखें दोनों को ऐड किया कर हमारे पास, तो यहाँ से 3 और यहाँ पे -2 आया था, ये -2 आया था, 1 - 3 किया तो ये -2 आया था, तो यहाँ पर भी 0 आ गया, तो हमारे पास ये हो गया फ्रेंड्स। अब हमारे पास ऑप्शन है कि यहाँ से हम इसमें से 0 बना सकते हैं, तो 0 बनाने के लिए हम पहले यहाँ से 4 कॉमन ले लें, तो 4 कॉमन लेने पर ये हो जाएगा हमारे पास कोई 1 1 1, और हम यहाँ 0 बना रहे हैं, यहाँ 0 बनाने के लिए तो 4 का मल्टीप्लाई करना है R1 में, तो R1 में 4 का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास नॉन एम्प्टी हो जाएगी। ये जब 0 बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नॉन जीरो आ जाएगा, तो हमारे पास बनाने की जरूरत नहीं है। 0 अगर -4 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे 1/2, और ये 0 0 0 ये है हमारे पास। तो फिर ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास इतने फोन में, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे अगर कुछ है तो 1 होता है, और 1 नहीं है तो 0 है, तो ये इक्विवेलेंट फॉर्म में। तो यहाँ से इसकी रैंक जो आई हमारे पास, रैंक बराबर नॉन जीरो रोज कितनी है 2, तो रैंक बराबर हमारे पास 2 आ चुकी है। अब इसकी रैंक जब 2 आ चुकी है, तो डायमेंशन ऑफ बी निकालने के लिए डायमेंशन बी होती है, तो इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, डायमेंशन बी निकालने के लिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, यानी कि हमारे पास ये कितने कितने क्रॉस का मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, तो एन माइनस और जो इसकी रैंक है के, तो ये हो गया हमारे पास 3 - 2 = 1। तो फिर यहाँ से हमारे पास डायमेंशन ऑफ बी जो है वो 1 इसका करेक्ट आंसर आ गया, डायमेंशन ऑफ बी जो थी इसकी 1 है। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फिर से आगे और क्वेश्चन देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।